पृथ्वी के बाहर जीवन खोजने की क्षमता बढ़ने से एलियंस से संपर्क होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इस साल में अंतरिक्ष में स्थापित होने से पृथ्वी के बाहर जीवन तलाशने में बहुत तेजी आ सकती है। भविष्य में एलियंस से संपर्क भी हो सकता है। पृथ्वी के बाहर जीवन तलाशने का प्रयास हमारे वैज्ञानिक और खगोलविद हमेशा से ही कर रहे हैं। इसके लिए फिलहाल जो हमारे खगोलविदों के पास जो साधन उपलब्ध हैं, वो बहुत सीमित हैं। इसका मतलब है कि वे अभी अंतरिक्ष में स्थित हबल ऑप्टिकल टेलीस्कोप जैसे सीमित उपकरणों की मदद से सुदूर ग्रहों में जीवन की तलाश कर पा रहे हैं। इस साल नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च होने से इस पड़ताल को बहुत ज्यादा गति मिलने की उम्मीद है। यहाँ तक कि ये भी संभव लगने लगा है कि 4 से 10 सालों में इंसान एलियन से संपर्क कर लेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप इस साल अक्टूबर में लॉन्च होगा। ये अंतरिक्ष में अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप होगा। ये एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जो केवल कुछ चक्करों में 6 गैसियस बौने प्लैनेट्स में एमोनिया की उपस्थिति का पता लगा सकेगा। इसका मतलब ये है कि वो दूसरे ग्रहों में केवल 60 घंटों में ही जीवन के पक्के संकेतों का पता लगा सकता है। माना जाता है कि गैसियस बौने ग्रहों में जीवन के पनपने की बहुत अधिक संभावना होती है। ये ग्रह हमारे सौरमंडल में नहीं होते बल्कि उससे बहुत दूर स्थित तारों का चक्कर लगाने वाले ब्राह्म ग्रह होते हैं, जिन्हें सुपर अर्थ या फिर मिनी नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। अभी तक वैज्ञानिक इन्हें ढूंढ तो लेते थे, लेकिन ये पता नहीं चलता था कि वहाँ के वायुमंडल में एमोनिया और उसके जैसे जीवन के अन्य संकेत मौजूद है या नहीं। इस अध्ययन के प्राथमिक नतीजे ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्टूडेंट कैप्राइस फिलिप इस महीने APS मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगी। उन्होंने बताया कि नतीजों में उन्हें सबसे चौंकाने वाली बात ये लगी कि हम अगले 5 से 10 सालों में दूसरे ग्रहों पर जीवन के संकेत खोज सकते हैं। कैप्राइस और उनकी टीम ने इस बात का मॉडल बनाया कि जेम्स टेलीस्कोप उपकरण वायुमंडल के हालात और बादलों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करेगा, और उसके बाद एक श्रेणीबद्ध सूची बनाई जिन हालातों में टेलीस्कोप को जीवन के संकेत मिल सकते हैं। फिलिप का कहना है कि मानव जाति इस तरह के प्रश्नों पर विचार कर रही है कि क्या हम अकेले हैं और क्या कहीं और भी हमारे जैसा जीवन है या नहीं। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप पिछले कुछ समय से प्रक्षेपण का इंतजार कर रहा है। हाल ही में उसने कई परीक्षण पास किए हैं जिसमें रॉकेट के आवाज, तेज झटके और कंपन बर्दाश्त करना शामिल है। जेम्स टेलीस्कोप अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और जटिल टेलीस्कोप होगा। इसे खास इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हमारे सौरमंडल में उसके आसपास के तारों के रहस्यों को उजागर कर सके और हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना के बारे में जानकारी दे सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें वीडियो को, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए।